हेलो फ्रेंड्स, आई एम धर्मेंद्र एंड आप देख रहे हैं चैनल यूर एग्जाम गोली। आप सभी का आपके अपनी चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो जी हाँ डियर फ्रेंड्स, आप लोग जान गए होंगे कि आज हम बात करने वाले हैं किसकी। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें आज हम बात करने वाले हैं आपके SSC CGL टीयर 1 2020 एग्जाम के एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में। दोस्तों आप लोगों के बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, सर हम लोगों का एग्जाम हो चुका, अभी भी चल रहा है बट, लेकिन बहुतों का 90% का हो चुका है, तो आखिरकार हम लोगों का कट ऑफ क्या रह सकता है, इसके लिए कुछ एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताइए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों की डिमांड के अनुसार देखते हुए मैं वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को कैसा क्या करना है और आपका कट ऑफ किया जा सकता है, हम हर एक चीज़ जानने वाले हैं। बट दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ें, यदि आप चैनल पर नए हैं तो उसको सब्सक्राइब अवश्य कर लें एंड वीडियो आते ही पसंद तो लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों प्लीज़ शेयर अवश्य ज़रूर से ज़रूर कर दिया करें, ताकि आपके जैसे और भी फैंस हैं उनकी सभी की हेल्प हो सके। तो चलिए फैंस, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बढ़ते हैं आगे और करते हैं हर एक चीज़ को डिस्कस। हाँ तो डियर फैंस, आप अपनी आंख से देख सकते हैं कि हम आ गए हैं यूआर एग्जाम गोली के कम्युनिटी टैब पर। जी हाँ दोस्तों, जिसमें आप लोगों को करना क्या है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। यदि आपको 100% ट्रू कट ऑफ चाहिए, जी दोस्तों आप कट ऑफ जान लेंगे कि आखिरकार आपका क्या जाना है, इसके लिए आपको यह सब करना आवश्यक है। अब क्या करना है तो दोस्तों आप वो देख लीजिए। डियर फ्रेंड्स, आपको बता दें हमने यहाँ पर पोल क्रिएट किया है, आपकी कैटेगरी OBC, आपका UR एंड आपका SC, ST और EWS, जितनी भी आपकी कैटेगरीज होती हैं सभी के लिए मैंने यहाँ पर पोल क्रिएट किया है, जिससे कि हम एक गुड एनालिसिस कर सकें, 100% ट्रू एनालिसिस कर सकें और आपका कट ऑफ आपके समक्ष प्रोवाइड कर सकें। कट ऑफ बताने के लिए तो मैं यूं ही बता दूंगा, लेकिन बगैर आधार की कोई भी चीज़ बिल्कुल सटीक बताना असंभव है, इसके लिए कुछ आधार की आवश्यकता होती है और यहाँ पर आधार आपका मार्क्स है। तो आप लोग खुद बताएंगे कि आपने अटेम्प्ट कितना किया है। जी हाँ दोस्तों, आप लोग आप सभी से रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है क्या कि आपने जितना अटेम्प्ट किया हो उतने ही मार्क्स शेयर करें। आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उसी कैटेगरी में जाकर वोट करें, अन्यथा यहाँ पर मिस हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आपने कम अटेम्प्ट किया है तो कम ही टिक करें, क्योंकि यहाँ पर आपको कोई जज करने वाला नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपका ये सर्वे है जिसमें हम आपके समक्ष आपके परिणाम घोषित कर सकते हैं, नतीजे बता सकते हैं। तो दोस्तों आपको करना क्या होगा, फॉर एग्जाम्पल यदि आप UR कैटेगरी या जनरल सामान से बिलोंग करते हैं, तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या SSC CGL टीयर 1 एग्जाम 2020 में आपके मार्क्स या नंबर कितने हैं, UR कैटेगरी से नीचे वोट डालें। यदि आपके नंबर आ रहे हैं 100 के नीचे तो दोस्तों आपको फर्स्ट ऑप्शन चूज करना है। यदि आपके नंबर आ रहे हैं 100 से 125 के बीच में तो आपको सेकेंड ऑप्शन चूज करना है। यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 125 से लेकर 150 के बीच में तो आपको थर्ड, एंड इसी प्रकार से यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं 150 से 175 के बीच में तो ऑप्शन फोर्थ, एंड यदि आपके मार्क्स आ रहे हैं क्या 175 से लेकर 200 के बीच में तो आपको ऑप्शन नंबर फिफ्थ चूज करना है। जी हाँ दोस्तों, प्लीज़ अधिक से अधिक इस सर्वे को शेयर करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स पड़ सकें। जितने ज़्यादा वोट्स पड़ेंगे उतना अच्छा एनालिसिस रहेगा, उतना अच्छा हमारा कट ऑफ रहेगा। तो इसमें आप ही सपोर्ट करेंगे कि इस सर्वे को आप अधिक से अधिक शेयर करें आपके सभी फैंस सर्कल में। चलिए फैंस, हम बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आपको, यदि आप जनरल के अलावा अदर जो कैटेगरी है आपकी OBC उन सभी से बिलोंग करते हैं तो आपको क्या करना होगा। तो डियर फ्रेंड्स, आप यहाँ पे देख सकते हैं जैसे कि मैंने लिख रखा है क्या कि यदि आप SSC CGL टीयर 1 एग्जाम 2020 में आपके नंबर कितने हैं OBC कैटेगरी से, इसमें भी आपकी सेम कंडीशन रहने वाली है। यदि आप 100 के नीचे हैं तो आपको फर्स्ट, 100 से 125 के बीच में है तो सेकेंड, और आपके 125 से 150 के बीच में है तो थर्ड, इसी प्रकार से 150 से 175 के बीच में है तो ऑप्शन नंबर फोर्थ, एंड लास्ट 175 से 200 के बीच में है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। फ्रेंड्स, अभी से रिक्वेस्ट है अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे पास ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स पड़ सकें। और सभी से रिक्वेस्ट है कि यहाँ पर गलत आप लोग वोट चूज ना करें, कहने का मतलब आपके मार्क्स आ रहे हैं 100 और आप यहाँ पे टिक कर रहे हैं 175 से 200 के बीच, ऐसा करने की कोई आवश्यकता नहीं, भली आप यहाँ पर वोट मत डालें, क्योंकि इससे गड़बड़ एनालिसिस हो सकता है। चलिए, ये तो आपका किसका, OBC का। इसी प्रकार से हम देख लेते हैं नेक्स्ट कौन सी कैटेगरी है आपकी, वो देखते हैं। तो
तो फ्रेंड्स आप देख पा रहे होंगे हम आ गए हैं अगली कैटेगरी जो कि है आपकी कौन सी एससी। यहाँ पे आपको दिख रहा है एसएससी सीजीएल टीयर वन एग्जाम 2020 में आपके नंबर कितने हैं एससी कैटेगरी से। यदि आपके 100 हैं तो फर्स्ट 100 से 125 के बीच में है तो दोस्तों सेकंड, आपके 125 से 150 के बीच में है तो थर्ड, 150 से 175 के बीच में है तो फोर्थ एंड इसी प्रकार से 175 से 200 के बीच में है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। और दोस्तों आप जिस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं अच्छे से देख लेना, उसी में आपको वोट डालना है ताकि हम आपकी हर एक कैटेगरी वाइज आपका कट ऑफ प्रोवाइड करा सकें। ये नहीं कि आप बिलोंग करते हैं यूआर से और आप जनरल में या आप ओबीसी में आके वोट डाल रहे हैं या फिर एससी और एसटी में डाल रहे हैं, ऐसा नहीं करना। बड़े अच्छे से देखना है आपको, यहाँ पर आपकी कैटेगरी शो होगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट जो कि आपकी एसटी कैटेगरी। तो दोस्तों एसटी में भी यहाँ पे सेम कंडीशन रखी गई है कि आप यदि आपके एसएससी सीजीएल टीयर वन एग्जाम 2020 में एसटी कैटेगरी से कितने मार्क्स लाते हैं नीचे वोट डालें, वो इस सेम है। यहाँ पे 100 के नीचे है तो आपको फर्स्ट है, 100 से 125 के बीच में है तो सेकंड, आप 125 से 150 के बीच में है तो थर्ड, 150 से 175 के बीच में है तो फोर्थ एंड इसी प्रकार से आप 175 से 200 के बीच है तो आपको फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट और लास्ट जो कि आपका ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो डियर फ्रेंड्स आप यहां पे साफ साफ देख सकते हैं हम आ गए हैं अगले क्या आपकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी। तो दोस्तों यदि आप ईडब्ल्यूएस से बिलोंग करते हैं आपको दिख रहा होगा यहां पे सारे ऑप्शंस आपको भी शो हो रहे हैं। आप यहां पे वोट डालिएगा 100 फर्स्ट, 100 आप 100 से 125 सेकंड, 125 से 150 थर्ड, 150 से 175 फोर्थ एंड 175 से 200 के बीच फिफ्थ ऑप्शन चूज करना है। और यदि आपने यह एग्जाम दिया है तभी आपको यहां पर वोट डालने की आवश्यकता है, वरना आप वोट मत डालिए। क्योंकि अगर कोई एग्जाम दिया है और दोस्तों आप हंसी मजाक के लिए यहाँ पे वोट डाल दें तो प्लीज प्रार्थना है ऐसा बिल्कुल ना करें। आपने रियल में यदि एग्जाम दिया है तब यहाँ पे वोट डालें, सभी से रिक्वेस्ट है। क्योंकि आप लोगों की बहुत ज्यादा डिमांड्स आ रही है कट ऑफ क्या जा सकता है, कट ऑफ क्या जा सकता है, इसलिए मैं यह पोल क्रिएट कर रहा हूँ, नहीं तो मेरा कोई विचार नहीं था। और आपको एक बेसिक सा आइडिया दे दूं जो कि यहाँ पर करीबन इसकी रिजल्ट हमको एक वीक तो लग ही जाएगा। यदि एक वीक नहीं भी लगता आप लोग अधिक से अधिक शेयर करेंगे, हम चाहेंगे कि यहाँ पे थाउजेंड्स में वोट पड़ने चाहिए। जी हाँ दोस्तों हजारों में, क्योंकि हजारों में वोट पड़ेंगे तो एक अच्छा अनुमान हम लगा सकते हैं ना। आप लोग पूरी कोशिश करें अधिक से अधिक शेयर करने की, बाकी जितनी जल्दी यहाँ पे थाउजेंड्स में संख्या हो जाएगी स्टूडेंट्स की, हम उतने ही जल्दी आपको यहाँ पर रिजल्ट शो कर देंगे। डियर फ्रेंड्स बात आती है कि सर अभी अनुमानित कट ऑफ क्या जा सकता है, सर्वे के नतीजे आएंगे तब आएंगे, बट अभी प्रेजेंट टाइम में एक अनुमान बताइए क्या जा सकता है कट ऑफ, ऐसे बहुत से कमेंट्स हमको देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स चूंकि मैंने एनालिसिस भी किया है सेंटर जाके, तो आपको बता दूं यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों यहां पर अनुमानित बताने वाले हैं। चूंकि आप लोगों ने अभी कमेंट्स करके आपके मार्क्स शेयर नहीं किए, मैंने डायरेक्टली पूछा है तो उसमें एक अनुमान निकलता है। यदि आप यूआर से बिलोंग करते हैं तो दोस्तों आपके करीबन करीबन यहाँ पे मार्क्स होने चाहिए 165 से लेकर आपके 170 के बीच। जी हाँ दोस्तों इससे माइनस प्लस टू चल सकता है, बट इतने मार्क्स यदि आपके हैं तो अभी आप सिक्योर चल रहे हैं, सेफ हैं, है ना। और लास्ट ईयर में आपका जो कट ऑफ गया था आप उससे 1+ करके चलें तो ज़्यादा बेस्ट होगा, ओके। बट एक अनुमान के मुताबिक अभी आपको बता रहा हूँ, चूंकि आपका पेपर ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं था, आपका पेपर था क्या मीडियम लेवल का। जैसे कि मैंने कैंडिडेट से जाना था बात करके, सभी का कहना था कि सर यहाँ पे पेपर मॉडरेट या मीडियम है, ना कि इजी और ना ही डिफिकल्ट। चूंकि आप लोग की मैथ्स ही ज़्यादा प्रॉब्लम दे रही थी, टाइम कंज्यूमिंग थी, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव थी, तो आप लोगों को मैथ्स में ही टाइम लग रहा था, इसलिए आप दूसरे पोर्शन को टाइम नहीं दे पाए। बहुत से कैंडिडेट का कहना था कि हम इंग्लिश छोड़ कर ही आ गए, पेपर इजी था बट टाइम बहुत कम था। आपको पता होगा एसएससी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम रहती है टाइम मैनेजमेंट की। पेपर का लेवल इजी रहता है, मॉडरेट रहता है, मीडियम रहता है, बट टाइम इतना कम रहता है कि सॉल्व करते ही करते टाइम निकल जाता है। तो दोस्तों ये तो हुआ यूआर का। इसी प्रकार से आप यहाँ पे 2- करके चल सकते हैं आपके किसके लिए, ओबीसी के लिए। जी हाँ दोस्तों और 2- करके चल सकते हैं आप ओबीसी से एससी के लिए, और यहाँ पे 1 से 2- करके चलिएगा आप एसटी के लिए। और बात करें किसकी, ईडब्ल्यूएस की, तो यहाँ पर आपके यूआर से 2- कर लें करीबन ओबीसी के समथिंग समथिंग। कहने का मतलब आपके यहाँ पे करीबन 163 से लेकर
168 के समथिंग समथिंग मार्क्स आ रहे हैं, तो आप ईयूआर से भी सेफ चल रहे हैं। फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे एक बेसिक सा अनुमान लगाया है और आपको बताया है कि आपका कट ऑफ इस रेंज के बीच रह सकता है। जैसे ही आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करेंगे, आप लोग अधिक से अधिक वोट करेंगे, जैसे ही सर्वे के नतीजे निकलते हैं, तो आपको हम कैटेगरी वाइज आप लोगों का कट ऑफ प्रोवाइड कराएंगे। तब तक के लिए फ्रेंड्स, आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करते जाएं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें नतीजे देखने के लिए, और शेयर भी अधिक से अधिक करें। तब तक के लिए लेते हैं आपसे विदा। टेक केयर, लव यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।